हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एसएससी एमटीएस 2020 का आपका पेपर फर्स्ट का रिजल्ट जो है वो आपका डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपके कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं। तो सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 5 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर आपके टोटल 44,680 बच्चे टोटल जो है वो आपके पास हुए हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम बाइफरकेशन देखें, यूआर में 18,480, अदर पीडब्ल्यूडी में 230, वीएच में 480, ओबीसी में 11,600, ओएच में 470 और आपका ईएसएम में आपका है 3160, एसटी में आपका 2980 और एससी में आपका 3590 और ईडब्ल्यूएस में 3070 टोटल बच्चे जो हैं वो आपके पास हुए हैं। अब हुआ क्या है, जनरल में आपके टोटल ईडब्ल्यूएस के 2398 बच्चे हैं, एससी के 466, एसटी के 122, ईएसएम 1, ओएस 442, 44 और एचएस 4 और ओबीसी के 7625 आपके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इतने सारे बच्चे जो है वो ऑलरेडी पास हुए हैं क्योंकि उन्होंने जनरल की कट ऑफ जो है वो ऊपर आपकी पास करी है। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स के आपको दिया गया है जिनका रिजल्ट अभी जो प्रोसेस नहीं हुआ है, उनका बाद से रिजल्ट जो है वो आपका आएगा। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे कि आपकी जो कट ऑफ मार्क्स है, अगर हम बात करें कि बिहार की, तो बिहार में आपका यूआर की आपकी 93 गई है, ओबीसी की 91 आपकी टोटल जो है वो आपकी गई है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो आपकी कट ऑफ है, अगर हम बात करें जनरल की, आपकी 81 गई है, कम गई है। ठीक है, ओबीसी 77 गई है, ईडब्ल्यूएस 77 गई है। अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में अगर आप देखोगे यूआर की आपकी 82 गई है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 78 गई है, ओबीसी आपकी गई है 81 गई हुई है। अगर हम बात करें ओडिशा की, ओडिशा में अगर हम बात करें जनरल की आपकी गई हुई है 75 और आपकी ईडब्ल्यूएस की 75 गई है, सेम इक्वल गई है, ओबीसी की 73 आपकी गई हुई है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें, तो इसमें जनरल की आपकी 81 टोटल गई हुई है और ईडब्ल्यूएस की 76 आपकी गई हुई है, ओबीसी ठीक है आपकी 78 आपकी जो है वो आपकी गई हुई है। अभी तक आपकी जो यूपी में सबसे कम कट ऑफ जो है वो आपकी गई हुई है। अगर हम कर्नाटका में बात करें, तो 68 कट ऑफ गई है, आप कर्नाटका की सबसे कम कट ऑफ गई है। एमटीएस की अगर हम बात करें केरला की, तो केरला में आपके एमटीएस की जो कट ऑफ है 79 गई हुई है। छत्तीसगढ़ की बात करें, तो 77 आपकी गई हुई है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में आपकी 79 गई हुई है। असम में आपकी टोटल जो गई हुई है 73 आपकी गई हुई है। अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय में आपकी 73 गई हुई है। नागालैंड की अगर हम बात करें, तो आपकी 72 आपकी जो है वो आपकी गई हुई है। दिल्ली की अगर हम बात करें, तो दिल्ली में आपकी गई हुई है 76 आपकी गई हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आपका यूआर की 78 गई हुई है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के, उत्तराखंड में 81 गई हुई है। चंडीगढ़ में अगर हम बात करें 88 आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी गई हुई है। जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम बात करें 80 गई हुई है। हरियाणा में आपकी टोटल 78 गई हुई है। हिमाचल प्रदेश में आपकी जो 76 गई हुई है। पंजाब की अगर हम बात करें, तो पंजाब में आपकी जो कट ऑफ गई हुई है वो आपकी 76 गई हुई है। आंध्रा में आपकी गई हुई है 78 गई हुई है। तमिलनाडु एंड पुदुचेरी में आपकी जो है वो आपकी कट ऑफ जो गई हुई है 77 गई हुई है। तेलंगाना में आपकी कट ऑफ 73 गई हुई है। और अगर हम बात करें ऑल इंडिया की, मतलब साउथर्न रीजन की बात करें, तो इसमें ओबीसी की वैकेंसी थी जो आपकी 86 जो है वो आपकी गई हुई है। गोवा में आपकी 72 गई हुई है। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में आपकी 70 गई हुई है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की इसमें जो कट ऑफ है आपकी 70 जो है वो आपकी टोटल जो है वो आपकी गई हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी ऊपर कट ऑफ थी वो 18 से 25 के बीच में आपकी जो है वो आपकी गई हुई है। अगर इसमें हम बात करें 18 से 27 की, तो 18 से 27 में आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी इस प्रकार से पूरी गई हुई है। ये पूरी पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, सो मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टोटल आपके 44,000 बच्चे कुछ जो है वो आपके टोटल पास हुए, 44,680 बच्चे टोटल पास हुए। तो जितने भी स्टूडेंट जो पास हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत बताई। बाकी स्टूडेंट जो है वो आगे जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनकी प्रिपरेशन करें, निराश बिल्कुल भी मत हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें।